हेलो फ्रेंड, हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू द पब्लिक सेक्टर बैंक मर्ज। ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया है अल्टरनेटिव मैकेनिज्म को, जो इंटर मिनिस्ट्री पैनल होगा उसको सेटअप किया जाएगा, तो जो उसको जो मर्ज जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसको ओवरसी करेगा। तो अल्टरनेटिव मैकेनिज्म है क्या? अपने आप में एक सीनियर मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट है, इसमें द कंप्राइज ऑफ द सीनियर मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट एंड जो जो इसके फ्रेमवर्क के अनुसार जो मर्ज का डिसीजन होगा वो ओरिजिनेट होगा बैंक से, एंड दिस शुड बी बेस्ड ऑन द कमर्शियल डिसीजन। एंड अल्टरनेटिव मैकेनिज्म ओवर सी करेगा, जो प्रपोजल आएगा जो बोर्ड ऑफ द पब्लिक बैंक फॉर द कंसोलिडेशन एंड द सच मैकेनिज्म विल एनेबल विद द क्विक फैसिलिटेशन। एंड द प्रपोजल है इसका, वो रिसीव करेगा बैंक से इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू फॉर्मेलिट द स्कीम्स ऑफ एमलेगमेशन एंड प्लेस बिफोर द अल्टरनेटिव मैकेनिज्म। एंड देन आफ्टर द इन प्रिंसिपल नोट द बैंक विल स्टेप टू अकॉर्डिंग विद द लॉ एंड द सेबी गाइडलाइन सेबी रिक्वायरमेंट एंड द फाइनल स्कीम्स नोटिफाई करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्टेशन करके आरबीआई के साथ में। ये अल्टरनेटिव मैकेनिज्म का पूरा सिस्टम है। इसका एम क्या होगा? इसका एम होगा जो बैंक है पब्लिक सेक्टर बैंक है उनको स्ट्रॉन्ग बनाना, कंपिटेटिव बनाना पब्लिक सेक्टर के अंदर, उनका ऐसी क्रिएशन करना ताकि जो कि नॉन बैंकिंग मतलब कि प्रॉफिट ज़्यादा हो उसके, और जो हमारे एनपीए बढ़ रहे हैं जो 14.5% पब्लिक सेक्टर बैंक के हैं, 1% प्राइवेट सेक्टर बैंक के हैं, उनको कम किया जा सके और प्रॉफिट को बढ़ाया जा सके। और सेकंड पॉइंट क्या है? क्रेडिट नीड्स हैं ग्रोइंग इकोनॉमी के अंदर, और जो उसको अच्छे से मीट किया जा सके ताकि अच्छे से क्रेडिट प्रोवाइड किया जा सके लोगों को अपने रोजगार को मतलब सेटअप करने के लिए, अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए उनको क्रेडिट प्रोवाइड किया जा सके। थर्ड पॉइंट क्या है? बैंकों के पास कैपेसिटी होनी चाहिए, जो रिसोर्सेज हैं विदाउट किसी भी जो स्टेट एक्सेप्ट करे उस पर डिपेंड किए बिना, स्टेट शुड हैव द कैपेसिटी टू रीच द रिसोर्सेज विदाउट डिपेंडिंग द अनड्यूली इन द स्टेट एक्सेप्ट कर। एंड व्हाट द सिग्निफिकेंस, इंपोर्टेंस क्या है इसकी? इंपोर्टेंस है इसकी जो सेंट्रल है पुश टुवर्ड करता है कंसोलिडेशन अमंग द पब्लिक सेक्टर बैंक। एज्यूम द सिग्निफिकेंस द मोस्ट ऑफ देम द ग्रेपिंग द हुज लेवल ऑफ एनपीए है उनको कम किया जा सके, जो क्रेडिट स्लो है उसको टैकल किया जा सके, और जो जो रिसोर्सेज अप्रोप्रियटाइजेशन किया जा सके, और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है उसको सीमित किया जा सके, अच्छे से किया जा सके। सर सेकेंड पॉइंट क्या है? जो इम्पोर्टेंट स्टेप है कि स्टार्टिंग द कंसोलिडेशन प्रोसेस, इसके अंदर मर्ज इंप्रूव करेगा। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं नेशनल प्रोफोर जो नॉन प्रोफोरिंग एसेट्स हैं रिजोल्यूशन से उसको मतलब कम करेगा, स्विफ्ट करेगा, डिसीजन मेकिंग पावर को बढ़ाएगा, यूनिफाई स्ट्रेटजी यूनिफाई करेगा। जब दो अच्छे बैंक आपसे मिलते हैं तो स्ट्रेटजी एक अच्छी स्ट्रेटजी बनती है, और स्ट्रेटजी फोकस होती है मतलब एक पर्टिकुलर एम के लिए रिसोर्सेज प्रॉपर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज होगा और एक अच्छे वे के हिसाब से काम करेगी जो बैंक होगी। और बैंक ऑन कंसोलिडेशन में क्या है, इसमें आप देख सकते हैं कि कंडीशंस हैं द क्रिटिकल एरिया है, इसमें क्या है जो रोबस्ट बैड लोन है मैनेजमेंट करेंगे, और कैपिटल रेजिंग कैपिटल फ्रॉम द मार्केट्स एंड क्रेडिट द क्रेडिबल प्लान्स फॉर द सेल ऑफ नॉन कोर असेट्स एंड क्लोज ऑफ द मेकिंग पावर। उसके बाद द ऑस्ट्रेलिया प्लान्स इंक्लूड द टेम्पररी कट इन द एम्प्लॉयज बेनिफिट इफ यू रिक्वायर इन क्रिटिकल एरिया। 13 ऑफ द टॉप 16 पब्लिक सेक्टर बैंक हैव द ग्रोस नेशनल प्रॉफिट, जो नेशनल परफॉर्मिंग असेट्स हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं ऑफ अबाउट 10% एंड 6 है और 17%। ओ एंड द टू पब्लिक सेक्टर बैंक जस्ट अबाउट द मैनेजमेंट्री 9 कैपिटल एडुकेशन रेशो 8 मोर हैव द जस्ट 10-12% पब्लिक। यू कैन डिस्कस अबाउट अ बैंक मर्ज। थैंक यू वेरी मच। दिस इज ऑल रिलेटेड टू द पब्लिक सेक्टर बैंक एंड रिसेंटली गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव मैकेनिज्म टू मर्ज द पब्लिक सेक्टर बैंक टू बैंक इन द वन बैंक। थैंक यू वेरी मच। तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी किसी चीज़ की आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो हम रिप्लाई करेंगे इसका। थैंक यू।